क्रोम ब्राउजर पे क्लिक किया, आपको ये सिंपल सा सर्च करना है डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5। ये सर्विस पैक ये ओल्ड वर्जन का है, रिसेंट में आपको इसलिए सेकंड टैब पे क्लिक करना है। और आपको जैसे ही करोगे गो डाउन, थोड़ा सा आप ड्रॉप इट डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी सी देर में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही डाउनलोड होगा क्लिक ऑन यस, आपको यस पे क्लिक करना है। ये दो ऑप्शन स्किप और डाउनलोड फाइल्स आपने क्लिक करना है डाउनलोडिंग्स पे। तो ये भी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है उस फीचर्स है विंडोज़ की, वो पर्टिकुलर साइट से डाउनलोड स्टार्ट करती है। और ये मेरे केस में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इंटरनेट स्पीड मेरी थोड़ी सी अभी स्लो है। तो आप केस में ये दो चीज़ें डिपेंड करता है, कभी भी कोई भी आपका प्रोसेसर की स्पीड कितना है, हार्डवेयर नए हैं या पुराने हैं, कौन सा विंडो आप रन कर रहे हो और इंटरनेट स्पीड क्या है। तो आपके केस में और पहले भी हो सकता है और ज़्यादा भी समय ले सकता है, ये 3 से 4 चीज़ों पे वेरी करता है कि आपकी स्पीड क्या है, डेडिकेटेड स्पीड कितना आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो और स्पेस कितना है उस पर्टिकुलर मशीन में और हार्डवेयर कैसे हैं और प्रोसेसर की स्पीड क्या है। तो उस पर है ये अभी जो भी रिक्वायर्ड्स फाइलें हैं वो डाउनलोड कर रहा है। जब तक ये डाउनलोड करता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा। अभी ये जैसे ही डाउनलोड कर दिया वो इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दिया है। सो ये दिस फॉलोइंग फीचर वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड डॉट नेट 3.5 इंक्लूड, यू माइट नीड टू स्टार्ट अप सेम ग्रेट। तो ये देखा हमने कि थर्ड ऑप्शन से भी सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, इनेबल्ड हो गया है। आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिस्टार्ट या सिस्टम को रिस्टार्ट करके अब उस डॉट नेट को यूज़ कर सकते हो।